गाइस देखो, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इजी वर्क फ्रॉम होम जॉब लेकर के आई हूँ, ठीक है, जिसको आप आसानी से घर बैठे सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके आप लोग कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ इमेजेस को कॉपी एंड पेस्ट करना होता है, ठीक है। एंड अगर आप इस चीज़ को, इस काम को अच्छे से कर लेते हैं, अभी मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर में कि किस तरीके से आपने काम करना है, बट अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हैं तो आप यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। मतलब डेली बेसिस पे यहाँ पे आप 1000 इवन 2000 रुपीज़ यहाँ पे आप अर्न सकते हैं पर डे। एंड गाइस देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो भी आपकी अर्निंग्स होंगी, जो भी आप अर्निंग्स करेंगे ऑन द डेली बेसिस या फिर मंथली बेसिस, उसे आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो तरीका है, ये वन ऑफ द बेस्ट वे है एक अच्छी अर्निंग्स करने का बाय जस्ट वर्किंग फ्रॉम होम। बहुत ही सिंपल सा ही मेथड है, सिर्फ आपको यहाँ पे मोबाइल फोन की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आप आसानी से इस पूरे काम को अच्छे से कर लेंगे, एंड दैट टू 100% फ्री, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इसके साथ साथ देखो गाइस, कोई भी इस काम से अर्निंग कर सकता है। अगर आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, आप कहीं और जॉब करते हो एंड पार्ट टाइम आप एक अर्निंग करना चाहते हो, तो सारी चीजें आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक देखें, कुछ भी स्किप ना करें, ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए एंड फिर आसानी से आप लोग इस काम को कर पाए। सो हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है निशा और आप देख रहे हैं बेस्ट इनकम सीक्रेट्स। सो गाइस, चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर एंड आपको बताती हूँ इसका पूरा प्रोसेस। सो गाइस, हम मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं, ठीक है। लैपटॉप में मैं आपको इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ ताकि आपके लिए सारी चीजें ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। हालांकि आप सारी चीजों को फोन पे भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। एंड गाइस देखो, एक बहुत ही खास बात मैं आपको बताना चाहती हूँ इस काम के बारे में, जो ये है कि फर्स्ट टाइम जब आप इस काम को स्टार्ट करोगे, जब आप अपना अकाउंट वगैरह यहाँ पे क्रिएट करोगे, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वन टाइम सेटअप प्रोसेस जब आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उसके बाद जब फ्रॉम द नेक्स्ट डे आप इस चीज पे काम करोगे, तो आपको सिर्फ 15 मिनट्स आपको यहाँ पे देने हैं ऑन द डेली बेसिस, ठीक है। जो भी मैं चीज आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, कॉपी पेस्ट प्रोसेस, वो आपको फॉलो करना है। सिर्फ 15 मिनट्स में आप उस काम को कर पाएंगे, ठीक है, डेली बेसिस पे। एंड अगर आप इस काम को कंटिन्यूअसली कर लेते हैं फॉर 1 मंथ, आप 1 मंथ के एंड में ही आप बहुत अच्छी अर्निंग्स यहाँ से कर लेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को वॉच करें, ठीक है। तो गाइस देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इस प्लेटफॉर्म पे आना है जिसका नाम है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट के बारे में आई होप आप सभी लोगों ने सुना होगा, ये काफी माना जाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आता है ऑन द डेली बेसिस। एंड ये प्लेटफॉर्म आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है इसके थ्रू अर्निंग्स करने की, ठीक है। एंड इवन इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी इसी चीज को करके यहाँ पे सिंपल एक कॉपी पेस्ट प्रोसेस फॉलो करके एक बहुत ही अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। एंड इवन 50,000 per month कमाना भी इस प्लेटफॉर्म से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी आप एनालाइज करेंगे इस चीज को कि जो चीज मैं बोल रही हूँ कि क्या वो पॉसिबल है एंड कितना पोटेंशियल है इस चीज में, ये खुद से आप लोग यहाँ पे जान पाएंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हम इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, अब हमने यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो हमें जाना है यहाँ पर साइन अप पर, यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट अ फ्री बिजनेस अकाउंट। हमारे लिए बेटर रहेगा अगर हम यहाँ पे बिजनेस अकाउंट क्रिएट करेंगे तो, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे अपनी अर्निंग्स के लिए हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, अब तो कोई पर्सनल यूज के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है, उसके बाद हमें सिंपली अपनी ईमेल यहाँ पे डालनी है, पासवर्ड सेट करना है, बर्थ डेट डालनी है एंड फिर यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे हमने क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, देखो उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोफाइल नेम डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हम ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है ये अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हमें किस तरीके की डिटेल्स डालनी है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, ठीक है। उससे पहले हमने क्या करना है, हमें एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है clickbank.com, ठीक है। ये 100% फ्री प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे जो भी प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताए हैं वो 100% फ्री हैं, आपने एक पैसे की भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो कैसे को सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इस पे अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्लिक करना होगा लॉग इन पर, उसके बाद वो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट हियर, इस पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने कंट्री चूज कर लेनी है, ठीक है, तो हम इंडिया चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आपने डाल देना है, फिर फोन नंबर आपने यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है, फिर आपने यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने यहाँ पे एग्री करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इनके यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे आना है एंड यहाँ पे डाउनलोड सबमिशन लिस्ट एंड एक्सेप्ट पर
क्लिक कर देना है, ठीक है। सो जैसे को यहाँ पे हमारा अकाउंट इस पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट माई प्रोफाइल पे आपने जाना है, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपने अपनी डाल देनी है। अब देखो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हाउ डू यू लाइक टू बी पेड, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये थ्रू डायरेक्ट डिपॉजिट भी आपको आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट देता है, ठीक है। जो भी आपका नेम आपके बैंक अकाउंट में है वो नेम आपने यहाँ पे डाल देना है। तो जब आप ये सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल देंगे, आपके यहाँ पे सेव का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, इसे आपने सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद गाइस क्या होगा कि यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी इनेबल हो जाएंगे आपके लिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पे अफिलिएट मार्केट प्लेस पर। अब देखो गाइस अब हमारा जो मेन काम है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में ऑलरेडी पता होगा, बट जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि ये जो वेबसाइट है, जो प्लेटफॉर्म है, ये एक अफिलिएट नेटवर्क है, ठीक है, जो कि हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, जिनको जब हम शेयर करते हैं दूसरे लोगों को, ठीक है, जिसको हम अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो जब हम उन प्रोडक्ट्स के लिंक्स को शेयर करते हैं दूसरों में, तो ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है ये उसका हमें बहुत अच्छा कमीशन देता है। एंड अच्छा कमीशन का मतलब ये है, इवन यहाँ पे सिर्फ एक एक प्रोडक्ट को शेयर करके आप लोग यहाँ पे $100 to $200 तक अर्न कर सकते हो, इससे ज्यादा भी अर्न कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी ये प्लेटफॉर्म हमको देता है। एंड जो कॉपी पेस्ट प्रोसेस मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इजी भी होने वाला है, एंड इससे बहुत अच्छी सेल्स आप लोग ला सकते हो, जिससे आप मंथली बेसिस पे एक बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे देखो मेन जो इसका मार्केट प्लेस है ये ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे ऊपर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पे नेम की गई है, ठीक है। जैसे हेल्थ एंड फिटनेस हो गया, बिजनेस एंड ई मार्केटिंग हो गया। यहाँ पे देखो जब ऑल पे आप क्लिक करोगे तो और भी बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। आपको क्या करना है, आपने एक कैटेगरी यहाँ से चूज करनी है, ठीक है। एंड उस कैटेगरी से रिलेटेड जो बेस्ट प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को आपने यहाँ पे चूज करना है। एंड ये प्लेटफॉर्म खुद ही आपको बताता है कि कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है मार्केट में, किस प्रोडक्ट की रेटिंग सबसे अच्छी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे खुद से पता चल जाती है। तो हम फिलहाल यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस चूज कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर देखो एक और बेस्ट कैटेगरी है डाइट्स एंड वेट लॉस करके। अब देखो गाइस यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है द स्मूदी डाइट 21 डे रैपिड वेट लॉस प्रोग्राम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम इसी प्रोडक्ट को चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ये फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रहा है, इसका ग्रेविटी स्कोर 186.75 है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका कंप्लीट जो भी प्रोडक्ट मेन जो प्रोडक्ट पेज है वो यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है। सारी डिटेल्स प्रोडक्ट के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो हम इसी प्रोडक्ट को चूज करेंगे। अभी बाकी की डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो हमने इसमें यूज करनी है इस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। उससे पहले हम चलते हैं अपने पिंटरेस्ट के अकाउंट पे, देखो यहाँ पे हम चलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मैं आपसे बात कर रही थी कि हमें अपनी एक बिजनेस प्रोफाइल बनानी है, ठीक है, तो वो ये प्रोफाइल कौन सी होगी, अब क्योंकि हमें ये पता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हेल्थ से रिलेटेड है, वेट लॉस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो हम प्रोफाइल नेम देंगे वो भी उससे रिलेटेड ही देंगे। तो कुछ इस तरीके का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। पूछ रहा है डू यू हैव अ वेबसाइट, तो यहाँ पे हम फिलहाल नो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अपनी जो कंट्री है ये हमने चूज करनी है, क्योंकि यहाँ पे हम जो काम करेंगे, ठीक है, वो हम इंडिया के लिए नहीं करेंगे, वो हम यूएस के लिए करेंगे। तो यहाँ पे हम यूनाइटेड स्टेट्स चूज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स के लिए काम करते हैं तो यहाँ पे हमारी अर्निंग्स काफी अच्छी होती है। फिर ये आपसे पूछ रहा है व्हाट्स द फोकस ऑफ योर ब्रांड, तो यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस यहाँ पे चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे थ्री गोल्स से चूज करने को बोल रहा है, तो यहाँ पे कोई भी थ्री आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये बोल रहा है डिस्क्राइब योर बिजनेस, तो यहाँ पे आप क्रिएटर चूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे। सो जैसे को यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे जाना है योर प्रोफाइल पर, ठीक है। एंड यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है, तो इसे हमने चूज करना है। अब यहाँ पे हमने बाकी की भी डिटेल्स ऐड करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना लोगो लगाना है। अब लोगो कैसे क्रिएट करना है, देखो हमें क्या करना है, हमें जाना है कैनवा पर, canva.com पर। ये 100% फ्री टूल है जहाँ से आप बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड इवन रेडी टू यूज टेम्पलेट्स भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है, जिनको सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट करना होता है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, बहुत इजीली आप लोग कैनवा पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह सेट करना होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इसको कर पाएंगे। और आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ लोगो टाइप कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम हेल्थ करके सर्च कर लेंगे, ठीक है, तो ये चूज कर लेंगे हम। यहाँ पे हम लिख लेंगे
यहाँ पे वैसे नाम लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ये प्रोफाइल पिक्चर है हमारी, ये एक्चुअल में लोगो नहीं है, बट स्टिल अगर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं तो ये अच्छा लगेगा। अब हमें क्या करना है, इसको हमने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, डाउनलोड पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे हमने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब हमको वापस यहाँ पे जाना है, यहाँ पे चेंज पे क्लिक करना है, ठीक है, चूज फोटो पे क्लिक करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे नेम ऑलरेडी हमने दे रखा है, ईट हेल्दी लिव हेल्दी, उसके बाद देखो यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग एक्चुअल में हैशटैग्स वगैरह भी यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने चैट जीपीटी ओपन कर लेना है, ठीक है, यहाँ से आप सर्च करोगे तो फर्स्ट लिंक आपने यहाँ पे ओपन कर लेना है, यहाँ पे आपको साइन अप करना होगा, 2 मिनट में आप लोग इस पे साइन अप कर पाओगे, ठीक है, सिर्फ आपको अपनी ईमेल वगैरह यहाँ पे देनी होती है, उसके बाद आपको यहाँ पे लॉग इन कर लेना है, ठीक है, चैट जीपीटी चूज कर लेंगे, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो एड्स फॉर वेट लॉस पेज ऑन पिंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि आपका जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज रिलेटेड टू वेट लॉस, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ टैग्स निकाल लेंगे। देखो उससे काफी सारे टैग्स यहाँ पे दे दिए, इन टैग्स को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है, एंड फिर हम जाएंगे अपने पिंटरेस्ट अकाउंट में और फिर यहाँ पे हम इसको कॉपी कर देंगे, ठीक है, इसे रहने देते हैं फिलहाल। उसके बाद देखो गाइस आपने यहाँ पे एक यूजर नेम डालना है, यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हो दैट आर रिलेटेड टू हेल्थ, ठीक है, तो यहाँ पे आप सेम यूजर नेम डाल सकते हो जो आपने यहाँ पे ऊपर नेम में डाला है, ठीक है, ईट हेल्दी लिव हेल्दी, तो यही हम डाल देते हैं यहाँ पर। सो गाइस देखो यूजर नेम हमने डाल दिया है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है दैट इज दी वेबसाइट, ठीक है, क्योंकि यही मेन लिंक होगा हमारे पिंटरेस्ट पे, ठीक है, जो कि हमारी ऑडियंस को जो भी हमारे पिंटरेस्ट पे आएगी उसे किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है, एंड वो डेस्टिनेशन यहाँ पे कौन सा होगा, वो डेस्टिनेशन हमारे प्रोडक्ट का होगा, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ पे प्रमोट करने वाले हैं उसके प्रोडक्ट पेज पे हमें अपनी ऑडियंस को रिडायरेक्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिंक चाहिए अपना यहाँ पे डालने के लिए। बट देखो एक्चुअल में होता क्या है कि हम अपने अफिलिएट प्रोडक्ट पेज का जो लिंक है वो डायरेक्टली यहाँ पे वेबसाइट सेक्शन में नहीं डाल सकते, अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि पिंटरेस्ट हमें ब्लॉक कर दे, ठीक है ना, इसके लिए हमें एक छोटी सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चलेंगे अपने क्लिकबैक के अकाउंट पे, वहां पे थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, कैसा प्रोडक्ट है, क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, कैसे हम लिंक जनरेट करेंगे, ठीक है, तो पहले हम ये सारी चीजें देखेंगे एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने उस प्रोडक्ट का लिंक निकाल करके यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे चले गए अपने प्रोडक्ट पेज पे जो मैंने अभी आपको बताया था, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज जो आपको यहाँ पे अमाउंट पर कन्वर्जन मिलता है दैट इज $29.30, ठीक है, एंड इवन यहाँ पे आप $100 पर सेल भी आप अर्न कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। एक्चुअल में देखो ये प्रोडक्ट है क्या, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। अब देखो यहाँ पे एक सेक्शन है गेट योर अफिलिएट टूल्स हियर, ठीक है, जब आप यहाँ पे आप क्लिक करोगे अगर आपको क्रिएटिव्स वगैरह चाहिए, आपको इमेजेस चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ से आप ले सकते हो। यहाँ पे देखो बैनर्स एंड प्रोडक्ट इमेजेस का सेक्शन है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे क्लिक टू डाउनलोड पर, ठीक है, तो आपके लिए जो भी मतलब इसकी जो भी इमेजेस वगैरह हैं, बैनर्स हैं, वो सब डाउनलोड हो जाएंगे जिन्हें आप आगे अपने पिंटरेस्ट इमेजेस में सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा देखो कि जब हम यहाँ पे आते हैं अपने क्लिकबैंक वाले डैशबोर्ड पे, ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा अकाउंट्स करके, ठीक है, इस पे हमने क्लिक करना है एंड सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे एक निकनेम क्रिएट करना होता है, ठीक है, तो निकनेम क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे ये पूछ रहा है देखो अकाउंट टाइप क्या है, तो यहाँ पे अफिलिएट, अब निकनेम हम खुद से यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, तो एक निकनेम मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे साइन अप पर क्लिक कर देना है, ठीक है, तो निकनेम हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, देखो उसको हमने कॉपी कर लेना है, ठीक है, अब हमने जाना है इस प्रोडक्ट पे एंड यहाँ पे जब हम प्रोमोट पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे निकनेम अकाउंट पे हमने वही चीज कॉपी करनी है जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे निकनेम था एंड फिर यहाँ पे क्रिएट हॉप लिंक पे हमने क्लिक करना होता है, ठीक है, तो जैसे ही हम ये करते हैं वैसे ही हमारा एक एनक्रिप्टेड हॉप लिंक जनरेट हो जाता है एंड यही हमारा एफिलिएट प्रोडक्ट पेज लिंक भी होता है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे आपने यहाँ पे लिंक निकालना है, अब क्योंकि हम इस लिंक को डायरेक्टली पिंटरेस्ट पे नहीं डाल सकते अदरवाइज पिंटरेस्ट हमारा जो अकाउंट है उसको ब्लॉक कर देगा, इसलिए हमें क्या करना है, हमें एक दूसरी वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है direct.me, ठीक है, अब इस पे हम फ्री पेजेस क्रिएट कर सकते हैं जिनमें हम उस लिंक को लगा सकते हैं एंड फिर इसका लिंक हम पिंटरेस्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि पिंटरेस्ट एक्चुअल में अफिलिएट लिंक्स को अलाउ नहीं करता, ठीक है, सिंपल लिंक्स आप वहां पे डाल सकते हो, डाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अफिलिएट लिंक्स आप वहां पे नहीं डाल सकते,
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्रिएट फ्री पेज पे क्लिक करना है, ठीक है, अपनी ईमेल एड्रेस डाल देनी है, यहाँ पे साइनअप पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे नेम एंड पासवर्ड डाल देना है, यहाँ पे साइनअप पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने एक यूजर नेम यहाँ पे चूज करना है, ठीक है, जो आपका लिंक बनाएगा, मतलब फिर इसी लिंक को आप यूज करोगे अपने पिंटरेस्ट के अकाउंट में। तो यहाँ पे भी हम वही डाल देते हैं, ईट हेल्दी लिव हेल्दी, फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस हम चूज कर लेंगे, ठीक है, एंड फिर यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। सो गाइस देखो उसका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो गया है, ठीक है, गॉट इट थैंक्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब देखो गाइस अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे क्लिक करना है माय प्रोफाइल पर। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन अपियर कर रहा है अब, ठीक है, तो इस पे हमने क्लिक करना है एंड इसको हमने चेंज करके वही नेम डाल देना है, ठीक है, इसको सेव कर देंगे। अब देखो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लिंक का एक बटन है, इस पे हमने क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जो हमारा यूआरएल डलेगा ये हमारा एक्चुअल में कौन सा यूआरएल होगा, हमारे एफिलिएट प्रोडक्ट पेज का यूआरएल, ठीक है। तो ये हम पिंटरेस्ट में नहीं डाल रहे हैं, ये हम किस में डाल रहे हैं, डायरेक्ट डॉट मी पे जो हम पेज क्रिएट कर रहे हैं अपना उसमें हम डाल रहे हैं, ठीक है। एंड फिर हम अपने इस पर्टिकुलर पेज को डायरेक्ट डॉट मी का जो पेज हमने क्रिएट किया है उसका हम लिंक डालेंगे अपने पिंटरेस्ट के अकाउंट, ठीक है। तो गाइस अब हम अपने क्लिक बैंक के पेज जाएंगे, यहाँ पे जो हमारा हॉप लिंक जनरेट हुआ था इसे हम कॉपी करेंगे एंड फिर से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है देखो क्लिक टू एडिट टाइटल, ठीक है, तो इस पे हम क्लिक कर लेंगे, द स्मूदी डाइट 21 डे प्रोग्राम फॉर वेट लॉस, ठीक है, यहाँ पे डन पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे एड पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो हमारा पेज था यहाँ पे बिल्ड हो गया है, ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी इमेज भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, हमारे लिंक से ही ये इमेज उठा ली गई है। अब हमने क्या करना है, हमने अपने इस पेज का लिंक देना है अपने पिंटरेस्ट में। तो क्या होगा जब पिंटरेस्ट पे लोग उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, हमारे पिंस पे जब क्लिक करेंगे तो वो इस पर्टिकुलर पेज पे पहुंचेंगे एंड जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर इमेज पे जब वो क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा प्रोडक्ट पेज है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चीजों को यहाँ पे करना है। तो हमको अब क्या करना है, देखो पे हमने क्लिक करना है एंड कॉपी लिंक पे हमने क्लिक कर देना है, ठीक है। अब हमें फिर से अपने पिंटरेस्ट की प्रोफाइल पे जाना है एंड यहाँ पे हमें इस वेबसाइट लिंक को पेस्ट कर देना है, उसके बाद हमने यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देना है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे पिंस क्रिएट करनी है, ठीक है, जिसमें हमने इमेजेस का यूज करना है, बहुत ही सिंपल से तरीके से, एक तरीके से आप कह सकते हो कॉपी पेस्ट मैनर में हमने यहाँ पे इमेजेस डाल देनी है, ठीक है, रिलेटेड टू जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ पे प्रोमोट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें क्रिएट पे जाना है, ठीक है, एंड यहाँ पे हमें क्रिएट पिन पे क्लिक कर देना है। अब देखो गाइस यहाँ पे हमारे पास दो अल्टरनेटिव हैं। पहला अल्टरनेटिव ये है कि हम डायरेक्टली इमेज को कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है, जो हमने जब हम अपने प्रोडक्ट पेज पे गए थे, प्रोडक्ट अफिलिएट पेज पे, तो वहां से हमने एक फोल्डर डाउनलोड किया था जिसमें इमेजेस थी, ठीक है, वो फोल्डर मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये वो फोल्डर था, ठीक है। तो यहाँ पे बैनर्स के अंदर आपको काफी सारी इमेजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, एक ये इमेज है, ये इमेज है, ठीक है, तो बहुत सारी इमेजेस हैं उस फोल्डर के अंदर। पहली चीज तो ये कि हम डायरेक्टली इस इमेज को कॉपी पेस्ट करके वहां पे लगा दें। अगर आप नहीं चाहते इसे डायरेक्टली यूज करना, ठीक है, आप कैनवा का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कैनवा से भी आपको बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस मिल जाएंगी जिनको आप यूज कर सकते हो एज पिंस, ठीक है। यहाँ पे जब आप सर्च करोगे पिंटरेस्ट करके, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, जैसे ये एक टेम्पलेट है, ये वेट लॉस से रिलेटेड टेम्पलेट है, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे हमको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो बीच वाली पिक्चर ये इतना इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम स्मूदीज की बात कर रहे हैं और यहाँ पे रॉ वेजिटेबल्स हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो दूसरा टेम्पलेट भी दिया हुआ है, ठीक है, इसे हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो हेडिंग है ये हम चेंज कर सकते हैं, ये हम वहीं से डाल सकते हैं जो हमारी उसकी हेडिंग थी, दैट इज स्मूदी राइट 21 डे वेट लॉस प्रोग्राम, वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करती हूँ, उसको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ, ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप कॉपी पेस्ट करके भी इमेजेस को डालना चाहते हो तो वो आपको प्रोडक्ट पेज से मिल जाएंगी, ठीक है, या फिर अगर आप थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी लगाना चाहते हो, थोड़ी अच्छी इमेजेस चाहते हो, तो आप कैनवा का भी यूज कर सकते हो, 100% फ्री टूल है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने पिंटरेस्ट के अकाउंट पे, ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो देखो ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, अच्छी तरीके से ये इमेज यहाँ पे हमारी लग गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको एक टाइटल दे देना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ही टाइटल देंगे, स्मूदी डाइट 21 डेज प्रोग्राम फॉर वेट लॉस। एंड गाइस देखो एक चीज और है कि यहाँ पे आप लोग, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे
डिस्क्रिप्शन ही डालो, आप यहाँ पे हैशटैग्स भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हैशटैग्स हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद ये आपसे डेस्टिनेशन लिंक डालने को बोल रहा है, तो डायरेक्ट डॉट मी का जो लिंक था उस लिंक को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट पे जाएंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे हमें क्रिएट बोर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है, एंड इसका एक बोर्ड हम यहाँ पे बना सकते हैं। वेट लॉस, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पब्लिश पर हमको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इतना ही काम था हमारा। अब ये जो पिन है हमारी, ये पब्लिश हो गई है। यहाँ पे देखो सी और पिन, तो हमारी ये जो पिन आ गई, सिर्फ इसे आपने डेली बेसिस पे क्रिएट करना है। नई नई पिन आपने क्रिएट करनी है, जो भी आपका पेज है उससे रिलेटेड आपको जो भी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं, या फिर अगर एक ही प्रोडक्ट को आप डिफरेंट डिफरेंट पिन्स के थ्रू भी प्रमोट करते हो, ठीक है, जैसे आप नई नई पोस्ट रोज क्रिएट करते हो, एंड अगर ये काम आप एटलीस्ट अगर 1 मंथ के लिए भी कर लेती हो, तो आई एम श्योर कि आप यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देख पाओगे, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें आप इवन यहाँ पे एनालिटिक्स देख सकते हो कि आपकी पिन्स पे कितना ट्रैफिक आया है, ठीक है। जब यहाँ पे आप जाओगे ऑडियंस इनसाइट्स पे जब आप जाओगे, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपकी कौन से पिन पे कितने लोग आए, कितनों ने वो देखी, कितनों ने लिंक पे क्लिक किया, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर इस मेथड को फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखें, ठीक है, एंड इसके साथ साथ आप काम करें। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, ठीक है। गैस यहाँ पे जो भी प्लेटफॉर्म्स, जो भी वेबसाइट्स मैंने यूज करी है, सभी के लिंक्स मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगी, ठीक है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर लें, इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। सो गाइस आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, बट अगर स्टिल आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं चाहूंगी जरूर आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सबको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहे रिलेटेड टू ऑनलाइन अर्निंग। सो गाइस इतना ही था फिर आज की वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप सो यू नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।